नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल पे। और दोस्तों, जैसे कि नवरात्रि चल रही है, मैं बना रही हूँ चौलाई यानी रामदाना का लड्डू। और ये कैसे बनाएं दोस्तों, तो इसको देख बनाने के लिए और सीखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल में बने रहें। और प्लीज़ मेरे वीडियो को अंत तक देखें दोस्तों, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। हेलो दोस्तों, जय माता दी, कैसे हो आप सब। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है नवरात्रि चल रही है, और जिन जिन लोगों को 9 दिन का फास्ट है दोस्तों, तो उनको फलाहार चाहिए कुछ ना कुछ खाने का। जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में अपलोड किया था सिंघाड़े का लड्डू, तो आज मैं चौलाई का लड्डू बनाऊंगी दोस्तों। और मैं चौलाई खुद से ही बना रही हूँ, मतलब गूंज रही हूँ। और दोस्तों, इसको गांव पे तो रामदाने के नाम से जानते हैं, और शहर में मैं इसको चौलाई के नाम से जानते हैं। मुझे भी चौलाई नहीं पता थी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मैंने रामदाना मतलब बोल के मांगा तो मुझे नहीं मिला। फिर लोगों से मैंने पूछा तो पता चला कि इसे चौलाई बोलते हैं। तो ये आपको आसानी से आप जहाँ भी होंगे मिल जाएगी, बस इसका नाम चेंज होगा। और बाकी आप कहीं भी होंगे तो आपको ये रामदाना, चौलाई और पता नहीं तीसरा नाम मुझे खुद भी नहीं पता मिल जाएगी। तो पहले दोस्तों मैं आप लोग को इसको भूनना सिखाऊंगी। दोस्तों मैं इसको पहले आपको भूनना सिखाऊंगी। मैं जब भी इसको रामदाने को डाल रही हूँ तो इसको हाई फ्लेम में, पहले कढ़ाई खूब हो जाएगी, खूब हाई हो जाएगी, उसके बाद इसको हाई फ्लेम में भून लेना है। ऐसे एक कॉटन का कपड़ा लेना है ना, और इसको ऐसे ही भून लेना है। देखिए ऐसे ऐसे आप थोड़ा थोड़ा इसको प्रेस करते रहेंगे। ये देखिए काफ़ी अच्छा मेरा चौलाई जल भी नहीं रहा है। और आपकी अगर कढ़ाई हल्की है तो आप लो फ्लेम में इसको भूंजे, हाई फ्लेम में नहीं। अगर आपकी कढ़ाई भारी है तो आप इसको हाई फ्लेम में भूंजे, और क्योंकि हल्की रहेगी कढ़ाई तो लग जाएगा, और भारी रहेगी कढ़ाई तब भी मतलब लग जाएगा, तो इसलिए हाई फ्लेम में भूनेंगे। अगर लो फ्लेम भून देंगे तो ये लग जाता है। और तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि मेरा ये रामदाना कितने अच्छे से भूंज रहा है, क्योंकि मेरी कढ़ाई भी काफ़ी हाई है। अगर जैसे मैं इसको लो कर दे रही हूँ तो ये जलने लगता है, इसीलिए इसको हाई फ्लेम में ही, ये मैंने अभी धीमा कर दिया था, ये देखो फिर मैंने हाई कर दिया है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये मेरा भूंज गया है, मैं भूंज लेती हूँ, भूनने के बाद आपको लड्डू बना के बताती हूँ। तो दोस्तों देखिए मेरी चौलाई तैयार हो गई भूंज के। अब मैंने ये देखिए सीरा चढ़ा दिया गुड़ का, और मैंने देखिए गुड़ को फोड़ा नहीं, ऐसे ही डाल दिया है क्योंकि ये घुल जाता है। और मैंने इसमें एक ग्लास से थोड़ा सा कम पानी डाला है, क्योंकि सीरा अगर पानी ज़्यादा डाल देगी तो सीरे को पानी जलाना पड़ेगा, इसलिए मैंने कम क्वांटिटी में पानी डाला है। देखिए जल्दी मतलब सीरा जल्दी तैयार हो जाएगा, और सीरा जब तक चिपचिपा नहीं होगी जब तक तैयार नहीं होगा दोस्तों। तो मैं सीरा तैयार करके दिखा रही हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं ये देखिए मेरा गुड़ घुल गया है, और ये बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। वैसे तो चिपचिपा हो ही गया, आप लोग को दिखा देती हूँ मैं थोड़ा सा। और इसको आप प्लीज़ डायरेक्ट ना छूके, थोड़ा सा हाथ में पानी लगा के तब छूके देखिएगा। सो ये देखिए मैंने पानी लगा के चेक किया है, ये देखिए मेरा सिरा हो गया है। अब मैं चलो लड्डू बना के दिखाती हूँ आपको। तो दोस्तों देख सकते हैं ये रामदाने पे सिरा मैं ऐसे डाल के इसको ऐसे मिलाऊंगी, और मिलाने के बाद जब मैं इसको लड्डू बनाऊंगी तो हाथ में पानी लगा लें दोस्तों, क्योंकि सिरा पता है आपको गर्म है, आपका हाथ भी जल सकता है। तो ये देखिए मैंने ऐसे मिला लिया है, और मैंने हाथ में लगा लिया पानी, और इसके ऐसे लेंगे, गरम है। ये देखिए लड्डू बन रहा है आराम से, इसको ऐसे गरम गरम ही बनाएंगे, नहीं ठंडा होने पे ये लड्डू नहीं बनेगा। तो दोस्तों देख सकते लड्डू बन गया है, इसके ऊपर से फिर ऐसे रामदाना लपेट के रख देंगे तो अच्छा लगेगा। तो मैंने ये फिर से हाथ में अपने पानी लगा लिया है ताकि मेरा हाथ ना जले। और दोस्तों इसका आकार आप अपने हिसाब से बना सकते छोटा बड़ा, क्योंकि मैं एक छोटा बनाई बड़ा बनाई तो आप लोग को लगे ना कि लड्डू कैसे बन रहा है छोटा बड़ा, इसलिए आप इसको अपने हिसाब से छोटा बड़ा बना सकते हैं। और ये खाने में काफ़ी लाइट वेट का रहता है, और आप इसको मतलब खा के सुबह पानी भी पी सकते हैं, भोग भी लगा सकते हैं, कोई आए तो आप उसको पानी पीने के लिए भी नवरात्रि में दे सकते हैं। तो दोस्तों इसको आपको बहुत ध्यान दे के बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो सीरा होता है बहुत ज़्यादा लिपटता है, आपका हाथ भी जल सकता है, तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे के बनाना पड़ेगा। और दोस्तों ये देखिए मेरे लड्डू तैयार हो गए हैं। और ऐसे ही फास्ट की रेसिपी पाने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।